सबसे पहले हम लोग जब दिल्ली से प्रशिक्षण लेके बरकले कंपोस्ट का आए तो सबसे पहले मैंने शिवगढ़ ब्लॉक में ये अवधरानी के गाँव में हमने ये इसका प्रशिक्षण दिया और ट्रेनिंग दी, वहीं से हम यहाँ लोगों को इसका प्रचार प्रसार किया। ये वर्म कंपोस्ट है जी सर, जो हम नई विधि है गर्म विधि के नाम से इसको जानते हैं, इसे बरकले कंपोस्ट भी कहते हैं। लेकिन गांव का जो हमारा किसान होता है वो जब तक परिणाम उसके सामने नहीं होते हैं तब तक वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा के लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद हमने देखा, इसका प्रयोग कराया, इसके जो परिणाम है वो परिलक्षित हुए, तब लोगों का झुकान कंपोस्ट की तरफ बढ़ने लगा। पहले जब हमारी कंपोस्ट नहीं थी तब हमारा आलू इतना इतना रह जाता था, लहसुन हमको बैठना हमारी ज़रूरत इतनी इतनी तो बैठता इतना इतना था, तो जब से हम बरकले खाद डाला तो वो हमारी आड़ी इतनी इतनी बैठी थी, इतनी इतनी हो गई कोनी कोनी, तो और आलू हमारा बड़ा हो गया, इतना इतना कम से कम एक एक आलू आधा आधा किलो हो गया। इस समय हमारे खेत की बाली जो है एक एक बित्ता की बाली है, नपी की बाली, गेहूँ की बाली, हाँ एक एक पौधे में 75-75 कल्ले हमारे खेत में गेहूँ के, 75-75 कल्ले हमारे खेत में। और बाली की जो टूरन है और खेत के बाली टूरन जैसे जो लैम द्वारा नहीं बन रहा है तो वही के बाली का दाना वो है, और इसकी बाली का जो कंपोस्ट खाद डाल के पैदा किए है उसकी दाना का बड़ा बड़ा दाना है, और गिने है तो वो जनता ज्यादा ई दाना में है और वो दाना में जनता कम है। रासायनिक खाद है डाई यूरिया, उसमें हमारा 2500 रुपये एक बीघा में लगता है, और जो हमारी ये कंपोस्ट खाद जब से बनाने लगे हम तो उसमें हमको अब यहाँ पे देहात में कुछ खरीद के नहीं लाना पड़ता, खाली खरीद के हम लोग क्या लाए हैं, जाली खरीदे। और जो हम बचत कीना है तो अपने बच्चों की पढ़ाई में, बेटी बेटा की दोनों की पढ़ाई में लगाया। अच्छा, बिटिया क्या करता है? बिटिया हमारी अब कर रही है एमए कर रही है, तो उसकी भी पढ़ाई, किताबें खरीदा, उसका नाम लिखाया, उसकी भी पढ़ाई में पैसा लगाया है। और हमारे यहाँ नतनी है 4 ठैया हमारे लड़का के, हाँ तो सबन का नाम लिखा है स्कूल में प्राइवेट में ही। अच्छा। हम कहना अच्छी पढ़ाई पढ़ाई, जब पैसा बची रहा तही अपनी लड़की, हम बच्चे गरीबी भी मरा तो सरकारी स्कूल में पढ़ा ऐसे लिखा दे रहे नाम पढ़ा कर रहे हैं, अब जब पैसा बढ़ा है तही गरीबी स्थित रही, अब आप पैसा जब इमा आ गए ना इमा मेरे बच्चे समझ में, अब पैसा बचा तो अब लड़की का अच्छा स्कूल में नाम लिखा दिए, पढ़ाई करवा दिए, बैग लिहेन कापी किताबें लिहेन, और 150 रुपया महीना फीस लड़कन के दे, तो जो बचो हिम्मत बचाएं तब आगे बढ़ान, अब ऐसा ये करती है ये करती है ये करती लड़की। क्योंकि पहले जो था कि हम लोग जब रासायनिक खाद डालते थे उसमें हमें पैसा नहीं बचता था और हमें दिक्कतें होती थी कि खाने तक के लिए हमें नहीं पूर्ति हो पाती थी, और अब है कि हम अनाज गेहूँ है धान है अनाज को बेच के हम अपने परिवार को भी अच्छे से
चला रहे हैं। कले से अब ये बदलाव आवा हुआ कि मतलब जैसे हम किचन गार्डन बाजार से सब्जी लाइत रहन है तो उसे बीमारी बहुत रही है। बीमारी मतलब हम लाइत रहन जैसे आज लान तो कल सब्जी हमारी रख दिना दूसरे दिन सब्जी हमारी सड़ गई। तो अब हम बाहर की साग सब्जी लाई बंद कर देना है। अपने बरकले खाद डर डर हम खुद अपने घर में उगाई थे सब्जी बोई थे बनाई थे। बीमारी और गरीबी ये दोनों हमारी सगी बहनें हैं। अगर हमारे पास बीमारी है तो गरीबी है, गरीबी है तो बीमारी है। और पैदावार बढ़ने से पैसा बचने से भुखमरी और बीमारी से आजादी पाए। नहीं जब ये बरकले खान नहीं बनाते तो हमारी बात नहीं मानते। हम कहते नहीं लाइन से बना तो कहते नहीं हम छिट्टा बहाएंगे। अच्छा, खेत में अच्छा। तो हमने कहा कि हमको ट्रेनिंग मिली है सब कुछ है लाइन वार से जो बीजा पड़ता है तो पूरा नमी में चला जाता अंदर चला जाता। आधा तो हमारी चिड़िया चुन गई आधा बीज सूख गया। उसके बाद भी जब कहा एक दो दिन लड़ाई हो चुकी सब कुछ हो चुका उसके बाद में धीरे धीरे फिर मानने लगे हमारी बात। नहीं नहीं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं मानी। अच्छा। बस हमने कहा चलो कूड़ा करकट को एक जगह पर लगा देते हैं अब फिर देखा जाएगा जो अच्छा होगा तो फिर देखा जाएगा आगे नहीं तो ज्यादा विश्वास नहीं किया था। लेकिन उसको जब बनाया गया विधिवत बना के तैयार हुआ तीसरे दिन उसको पलटना था बरकले को फिर धीरे धीरे जब वो 18 दिन में वो तैयार हो गई तब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कितनी बढ़िया खाद तैयार हो गई ये तो। और उसके बाद फिर इसका प्रयोग हमने अपने घर की इस किचन गार्डन में किया पौधों में डाला तो देखा कि पौधे में एक नई जान आ गई। जब महिलाओं को जानकारी मिली और जब कंपोस्ट के विषय में उनको जानकारी हुई पैदावार के विषय में जब उनको प्रशिक्षण मिला और जानकारी हुई तब वो जो है पुरुष लोग भी महिलाओं को अपने साथ में लेके दोनों सहभागिता से जो है खेती करने के लिए तैयार हुए हैं। पहले तो ये मुझको अकेलापन में एक भार जैसा मुझे सारा काम कार्यभार हम ही को देखना है लेकिन अब ये लग रहा है कि मेरा सहयोग करने वाला कोई दूसरा है मेरे साथ। जब महिलाओं को प्रशिक्षण मिला जानकारी मिली और उसके अलावा जब उन्होंने खेती में करके दिखाया जैसे कंपोस्ट खाद जब डाला खेत में और जब देखा कि उसमें परिवर्तन आ रहा है हमारी खेती में परिवर्तन आ रहा कि पहले हमारे गेहूं थे जैसे पहले इतनी पैदावार नहीं थी इतने अच्छे मतलब गेहूं पैदा नहीं होते थे उसमें चमक नहीं थी लेकिन जब उसको देखा पति ने भी देखा और पुरुष लोगों ने देखा तब भी तो उनको विश्वास आ गया ना उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये महिलाएं जो कर रही हैं ये सही काम है। कम पैदावार थी तो लड़कियों को तो ज्यादा अच्छा खिलाते थे पति को ज्यादा खिलाते थे लेकिन लड़कियों को नहीं खिलाते थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये हमारे लड़के हैं ये हमारे आगे जीवन में हमारी परवरिश करेंगे ये हमारे पति हैं इन्हें बाहर का काम करना पड़ता है तो ये सोच के वो पति और लड़के को तो ज्यादा अच्छा खाना देते थे लेकिन लड़की को नहीं देते थे खुद को भी नहीं। अब जो है अब जब पैदावार अच्छी हुई और घर में अच्छा सा अनाज आने लगा जब ज्यादा पैदावार हो गई तब वो लोग जो है मतलब खुद को और लड़की को और बच्चे को सारे को एक नजर से देख रहे हैं हम लोग। कहीं देखा चावलों नहीं हुआ रहा को आवत रहा तब बनत रहा चावल जब मेहमान आ जा रहा ना तो तब बना रहा है। अब तो अब बड़ी चावल अब तो सबकी खातिर दाल चावल बराबर बना अब पैदावार ज्यादा और खान भी स्वाद ज्यादा है। जो हमारी जमीन थी ये सूखी सूखी रहती थी पानी ज्यादा लगाना पड़ता था और उसके साथ साथ जब हम ये रासायनिक खाद डालते थे तो जो हमारे केचुए होते हैं केचुए कीड़े होते हैं वो मर जाते थे। बारिश नहीं हुई तो कम से कम 6 पानी लगता छः पानी बारिश अगर एक कुंड ना हुई तो 6 पानी और ये बरकले कंपोस्ट डाले से अगर 5 पानी लगा दिए तब भी हमारा अच्छा गेहूँ। अभी उस दिन पानी गिरा और हवा चली तूफान चला हमारे खेत का गेहूँ आप भैया गए और उस दिन देखे रहा है वही गेहूँ देखक बीरक बीरक रहा आप देखो जाओ वही गेहूँ बड़ी बड़ी बाली निगरी खड़ी है और पानी वही दिन लगा एको गेहूँ नहीं गिरा इसे गेहूँ खड़ा। अच्छा इतना अंतर है इसलिए देखे वाले भैया खेती वही करो कि ताकि भैया देखे वाले बाहर वाले लोग देखें कि हाँ कोई किया है तभी विश्वास दूसरे लोग करते हैं कि हाँ ये बरकले मेथड का ये गुण है जो हमारी फसल पे दिखाई रहा है। लह लह खेत लहर लहराए माटी मिसरी मोल बिकाए लह लह खेत लहर लहराए माटी मिसरी मोल बिकाए बस हूँ
बांसुरी बजाए अमहू बोरी बोरी जाए हो जियरा झूम झूम जा हो जियरा झूम झूम जाए फूलन देख जवानी भुईकी माटे भई दीवानी ओ फूलन देख जवानी भुईकी माटे भई दीवानी उड़ उड़ उड़े रंग मारेंगे उड़ उड़ उड़े रंग मारेंगे उड़े चुनरिया धानी गोरी गुलमा चलावे बैठी चिरई उड़ावे हो जियरा झूम झूम जाए हो जियरा झूम झूम जाए जियरा झूम झूम जाए।